हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे रेशियो यानी अनुपात वाले क्वेश्चंस को किस प्रकार क्विकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी मैंने चार क्वेश्चन लिए हैं डिफरेंट तरीके के, वो बिल्कुल एकदम आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इनके इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करना होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि यदि ए अनुपात बी आपका दिया है 3:4 और बी अनुपात सी 6:7 आपका दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो ए बी सी आपसे पूछा है, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछा है। ठीक है, तो अभी देखिए ए अनुपात बी क्या दिया है, 3:4 दिया है, 3:4 यहाँ पे दिया है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 3:4 लिख दिया। उसके बाद बी अनुपात सी क्या दिया है, 6:7 दिया है, तो 6:7 दिया है। तो बस यही आपको इतना करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक तो ये स्थान आपका यहाँ पे रिक्त रह गया है, एक यहाँ पे रिक्त रह गया है। ठीक है, तो आपको कुछ ज़्यादा आपको दिमाग इसमें नहीं लगाना है, जो जो फ्रंट में सामने जो संख्या रहेगी जहाँ भी रिक्त है, जैसे मान लो यहाँ पे स्थान रिक्त है, तो इसके सामने कौन सी संख्या होगी, ये होगी 4 होगी, तो जो सामने संख्या है वही आपको यहाँ पे रख देनी है। ठीक है, कुछ भी दिमाग इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, जैसे कि यहाँ पे ये यहाँ पे खाली है, तो इसके सामने वाली जो संख्या कौन सी है, ये 6 है। ऊपर वाली आपको नहीं लेनी है, उसी सेम रो में आपको लेना है, सेम रो में क्या है 6 है, तो 6 लिख दिया। 6 के अलावा अगर और कुछ भी होता तो उसको हम यहाँ पे लिख देते। ठीक है, तो इसके अलावा मैं और भी एग्जांपल मैंने लिए हैं, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल है, जो सामने वाली संख्या है उसी को उठा के आपको रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो जो भी लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7:4 जा आपका क्या हो जाएगा, 7 × 4 28 हो जाएगा, ये 6 × 4 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा आपका, और 6 × 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें रेशियो लगा दीजिए। उसके बाद आपका रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर लीजिए कट करके। अभी देखिए इसमें ये रिड्यूस आप 2 से इसको काट देंगे, 2×9 = 18 हो जाएगा, और ये 12 से कट हो जाएगा, और ये आपका 14 से कट हो जाएगा। अभी और कट हो रहा है, देखिए नहीं हो रहा है अभी, तो ये आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल एकदम सिंपल है, जो भी रिक्त स्थान रहेंगे उसमें उसके उसी रो में जो सामने वाली संख्या है वही आपको लिख देनी है। ठीक है, बिल्कुल एकदम आपको आसान तरीका बिल्कुल बता दिया है। तो ये आ जाएगा आपका 9:12:14, ये आपका आंसर हो जाएगा, डी में आपका ये दिया है। ठीक है, बी में दिया है आपका। ठीक है, तो आपको परीक्षा में भी इसी प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 9:10:14 डी में लिखा है जो। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर बी है यहाँ पे, तो कन्फ्यूज़ करने वाले ऑप्शन भी रहेंगे, तो थोड़ा ध्यान से स्मार्टली देख के उसको टिक कीजिएगा। अभी देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ए रेशियो बी जो आपका है 2:3 दिया है। अभी तक अगर आप नहीं समझे हैं तो अभी इस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि क्या हमको करना है। ठीक है, तो ए रेशियो बी आपका दिया है 2:3 दिया है, और बी रेशियो सी क्या दिया है आपका, 4:5 दिया है, और ए रेशियो बी रेशियो सी आपका पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ए रेशियो बी 2:3 दिया है, तो इसके नीचे यहाँ पे लिख लीजिए 2:3, जैसे जैसे दिया है क्वेश्चन में लिख दीजिए। बी रेशियो सी 4:5 दिया है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। अभी देखिए एक स्थान तो ये यहाँ पे खाली हो गया, रिक्त हो गया, एक स्थान यहाँ पे रिक्त हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जहाँ भी रिक्त स्थान होगा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सेम रो में सामने वाली जो भी आपका नंबर होगा सामने उसी को लिख देना है। अभी देखिए इसके यहाँ पे ये खाली है, तो इसके सामने क्या होगा, इसी रो में 3 है, तो 3 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए ये आपका खाली है, तो इसके सामने इसी रो में क्या है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। कुछ दिमाग नहीं लगाना, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए 5 × 3 जो आपका इधर आ जाएगा 15, 4 × 3 जो आपका आ जाएगा 12, 4 × 2 जो आपका आ जाएगा 8। तो उसके बाद देखिए कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है इसके बाद, तो 8:12:15 ये आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ है, ये ए में है, तो ए आपका ये हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, जैसे यहाँ पर डी में देखो 8:10:15 दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख के इसको टिक कीजिएगा, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अभी इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल और बढ़ गया है। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है उसको पढ़िए, थोड़ा सा लेवल और बढ़ गया है। इसमें ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, और सी रेशियो डी भी दिया है इसमें, तो ए बी सी डी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इसमें, ठीक है, ये पूछा है, तो इस प्रकार से होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही ए बी सी लिखा था तो ए बी सी डी लिख लीजिए आप। ठीक है, जो जो भी लिखा है देखिए सेम आपका जो है ना, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ सेम यही फॉलो होगा सब किसी में, जहाँ भी रिक्त स्थान होगा उसके उसी रो में, सेम रो में, देखिए कॉलम में मत चले जाइए, कहीं ऊपर सामने में नहीं देखना है, तो सेम रो में आपको देखना है, वही जो नंबर आएगा उसको उठा के रख दीजिए। अभी देखिए इसमें मैं बताता हूँ, ए रेशियो बी आपका 2:3 दिया है, जैसे जैसे आपको बोला जाए वैसा आप लिख दीजिए। ठीक है,
टू रेशियो थ्री दिया है, बी रेशियो सी क्या दिया है, थ्री रेशियो फोर दिया है, तो थ्री रेशियो आपका फोर दिया है, ठीक है। उसके बाद सी रेशियो डी, डी क्या दिया है, फोर रेशियो फाइव दिया है, फोर रेशियो फाइव दिया है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आपका रिक्त रह गया है, ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके लिए क्या करना है। अभी देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, छः आपका रिक्त रह गया है, तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे जो रिक्त है उसके सामने क्या है, तीन है, तो दोनों जो भी रिक्त स्थान है वहाँ पे तीन तीन लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये रिक्त है, इसके सामने क्या है, तीन लिख दीजिए। यहाँ पे ये रिक्त है, इसके सामने क्या है, चार लिख दीजिए। फिर इस यहाँ पे ये दोनों रिक्त है, इसके सामने चार है, तो यहाँ पे दोनों जगह चार लिख दीजिए, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद लास्ट में मल्टीप्लाई आपको कर देना है। उसके बाद देखो फाइव फाइव इंटू फोर क्या हो गया, ट्वेंटी, ट्वेंटी इंटू थ्री क्या हो जाएगा, सिक्सटी, तो सिक्सटी लिख दीजिए, वही रेशियो लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद फोर इंटू फोर क्या हो जाएगा, सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्री जा क्या हो जाएगा, फोर्टी एट लिख दीजिए। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार आप बिल्कुल दिमाग भी नहीं लगाना है आपको, बिल्कुल बस सिंपल है। आपको एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जो सामने वाली सेम रो में सामने वाला नंबर है वही उठा के रख देना है, ठीक है। कुछ भी नहीं सोचना, ना कोई फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना। फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स आपका हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, अगर रिड्यूस हो रहा है कट करने से तो कट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए ट्वेल्व की टेबल में आ रहा है सभी, ठीक है, तो 12 से इसको कट करके तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, 12 फाइव जा 60, तो आपका 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5, ये आपका आंसर आ गया, 2 3 4 5, ये आपका डी है, डी में इसका दिया है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल देखो सिंपल है। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा मुश्किल होगा, इसको मैं बताता हूँ किस प्रकार से करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है लेकिन अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है, तो यहाँ से डी मैंने मिटा दिया है, ये रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको रेशियो दिया नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या दिया है, देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पे ए इक्वल टू टू बाई फाइव बी दिया है, ठीक है। तो ए रेशियो बी कैसे निकालेंगे ये हमको पता करना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ से बी को अगर मैं नीचे ले आऊँगा, इधर इस साइड में लेके आऊँगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई फाइव, और जो डिवाइड होता है यही अपना रेशियो हो गया। तो यहीं से आप ए रेशियो बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू रेशियो फाइव, तो ये आपका ए रेशियो बी का आ गया वैल्यू, ये हमको ऐसे निकालना पड़ेगा, तो टू रेशियो फाइव आ गया, ठीक है, इसको समझ गए होंगे आप। अभी देखिए इसको ध्यान में रखिए, टू रेशियो फाइव। इसके बाद अभी बी रेशियो सी मैं आपको निकाल के बताता हूँ। तो ये क्या दिया है, बी रेशियो आपका बी इक्वल टू दिया है, ठीक है, रेशियो निकालना है हमको। बी इक्वल टू क्या दिया है, थ्री बाई सेवन सी दिया है, ठीक है। तो यहाँ से C को अगर नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, B डिवाइडेड बाई C क्या हो जाएगा, 3 बाई सेवन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, B रेशियो C इक्वल टू 3 रेशियो सेवन। तो रेशियो जहाँ नहीं दिया है वहाँ पे इजीली आप बना लेंगे, ठीक है। दिखने में काफ़ी मुश्किल दिख रहा था क्वेश्चन, लेकिन अभी हमने दोनों के रेशियो बना ले लिए हैं, ठीक है। B रेशियो C 3 रेशियो सेवन आ गया, A रेशियो B आपका 2 रेशियो फाइव आ गया था, ऑलरेडी हमने निकाला। अभी देखो कुछ नहीं करना, जो जो भी है वही वैल्यू आप रख दीजिए। A रेशियो B क्या आया था हमारा, 2 रेशियो फाइव आया था, और B रेशियो C क्या आया, 3 रेशियो सेवन आया है। अभी देखिए बिल्कुल सेम जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही, ये रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के सामने सेम रो में क्या नंबर है, पाँच है, तो पाँच लिख दीजिए। यहाँ पे रिक्त स्थान के सामने सेम रो में क्या है, तीन है, तो तीन लिख दीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेवन फाइव जा 35 हो जाएगा आपका, फाइव थ्री जा 15 हो जाएगा, थ्री टू जा 6 हो जाएगा। अभी देखिए कट हो रहा है क्या, आगे कट नहीं हो रहा है, ठीक है, कट नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 6 रेशियो 15 रेशियो 35, ये अपना ए ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल एकदम आपको इजी आसान तरीका मैंने आपको बताया है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।